ये जो हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई है इसकी रीजन क्या है? याद रखिएगा, किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसकी करेंसी का जो ताल्लुक है उस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स के साथ होता है, उस मुल्क की जीडीपी के साथ होता है। और किसी भी मुल्क की जो जीडीपी है उसका जो ताल्लुक है उस मुल्क की इंपोर्ट्स और उस मुल्क के एक्सपोर्ट्स के साथ होता है। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी इस्तेमाल की मैक्सिमम चीजें जो हैं वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स के मुकाबले में बहुत कम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने मुल्क का जो जरे मुबादला है बहुत सारा जरे मुबादला बाहर बेचते हैं और बहुत कम बाहर से मुल्क के अंदर लेके आते हैं।